हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक यूएसबी पोर्ट टेस्टर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक यूएसबी पोर्ट टेस्टर सर्किट है। दोस्तों, इस सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही यूजफुल सर्किट है। दोस्तों, इस टेस्टर की मदद से आप किसी भी यूएसबी पोर्ट को चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो यूएसबी पोर्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए सर्किट में यहां पर तीन एलईडी बल्ब है, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। दोस्तों, ये जो ग्रीन एलईडी है ये है पावर ओके इंडिकेटर। दोस्तों, ये ग्रीन एलईडी जलने का ये मतलब है कि यूएसबी पोर्ट में पावर सप्लाई ओके है। और दोस्तों, ये जो रेड एलईडी है ये है पावर एरर इंडिकेटर। दोस्तों, ये रेड एलईडी जलने का यह मतलब है कि यूएसबी पोर्ट में पावर सप्लाई ओके नहीं है, पोलारिटी सही नहीं है। मतलब दोस्तों, पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव और नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए सर्किट में यहां पर एक येलो एलईडी है। दोस्तों, इस यूएसबी टेस्टर को किसी यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर ये येलो एलईडी फ्लैश हुआ, इसका मतलब यह है दोस्तों, उस यूएसबी पोर्ट में डेटा कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर ये येलो एलईडी फ्लैश नहीं हुआ, इसका मतलब यह है दोस्तों, उस यूएसबी पोर्ट में डेटा कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस टेस्टर के मदद से किसी भी यूएसबी पोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस यूएसबी टेस्टर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना डाटा कॉर्ड। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें डाटा कॉर्ड के इस साइड में ये जो पोर्ट है, अब हमें इस पोर्ट को डाटा कॉर्ड से निकालना है। उसके लिए दोस्तों, पहले हमें इसके ऊपर ये जो कैप है, इस कैप को हमें काटना है। और दोस्तों, इस कैप को हमें बहुत ही धीरे से काटना है, नहीं तो इसका अंदर का कनेक्शन टूट सकता है। इसका ऊपर का कैप काटने के बाद फ्रेंड्स, देखिए इसके अंदर हमें मिलेगा चार पॉइंट्स। तो दोस्तों, अब हमें इस पोर्ट को बहुत ही धीरे से डाटा कॉर्ड से निकाल लेना है। दोस्तों, देखिए मैंने इस पोर्ट को डाटा कॉर्ड से निकाल लिया है। निकालने के बाद फ्रेंड्स, देखिए ये जो पॉइंट है ये है इस पोर्ट का पॉजिटिव पॉइंट, ये है डेटा माइनस पॉइंट, ये है डेटा प्लस पॉइंट और ये है इस पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस पोर्ट को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रेजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस रेजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है पोर्ट के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद 220 ओम रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस एलईडी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों, इस एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए
अब हमें इस रेड एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट हम लोग ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इस पॉइंट को हम लोग पोर्ट के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक ग्रीन कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस एलईडी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ग्रीन एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट और रेड एलईडी का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद ग्रीन एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और पोर्ट का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक येलो कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस एलईडी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रेजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस 220 ओम रेजिस्टर को ऐसे सर्किट में लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए दोस्तों देखिए यहां पर जो येलो एलईडी हमने लगाया है उस एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को अब हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट और पोर्ट का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद येलो एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो 220 ओम रेजिस्टर हमने लगाया है उस 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट अब हमें सोल्डर करना है पोर्ट के डेटा प्लस पॉइंट के साथ, उसके बाद 220 ओम रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को येलो एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है, उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 220 ओम रेजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये यूएसबी टेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस यूएसबी टेस्टर को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए मैंने यहां पर एक लैपटॉप लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को लैपटॉप के किसी एक यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये येलो एलईडी फ्लैश हुआ और ये ग्रीन एलईडी जल रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों ये यूएसबी पोर्ट ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को लैपटॉप के किसी और एक यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों अब ये ग्रीन एलईडी जल रहा है लेकिन दोस्तों देखिए येलो एलईडी फ्लैश नहीं हुआ। इसका मतलब यह है दोस्तों इस यूएसबी पोर्ट का पावर सप्लाई ओके है लेकिन दोस्तों इस यूएसबी पोर्ट का डेटा कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। किंतु दोस्तों अगर डेटा कनेक्शन ठीक से काम करता तो दोस्तों ये येलो एलईडी फ्लैश होता, लेकिन दोस्तों यहां पर ये येलो एलईडी फ्लैश नहीं हुआ। इसका मतलब यह है दोस्तों ये यूएसबी पोर्ट खराब हो गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक यूएसबी पोर्ट टेस्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।